यार आपकी भाभी ने ना वीडियोस बनाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है शायद अब हमारी वीडियोस नहीं होनी चाहिए ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सही है, जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है अब शायद हमारा काम ही नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग वीडियोज़ नहीं बना रहे। यार टिकटॉक की कुछ हालत ही इस तरह से चल रही है, दिल ही नहीं करता यार वीडियोस बनाने को। यार मतलब पहले टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप होती थी और आजकल वहाँ पे क्या चल रहा है? आपको लग रहा होगा ना कि आदिल को क्या हो गया है, क्यों आदिल इस तरह बोल रहा है? यार रिसेंटली हम किसी के घर गए थे, हमारे जानने वाले हैं, तो उनकी एक लेडीज़ थी, वो कहती मैं पहले टिकटॉक देखा करती थी और अब नहीं देखती, अब तो वहाँ पर ना बदतमीज़ी बहुत हो गई है, लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो मुझे यार इतना बैड फील हुआ कि यार ये हमारा ना तो कल्चर था और ना ही ये हमारी टिकटॉक थी ना, एक फैमिली ऐप हुआ करती थी जो कि इन जैसे, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलूँगा लेकिन इतना कहूँगा कि इन जैसे घटिया लोगों की वजह से हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि टिकटॉक जो है ना अब वो ऐप नहीं रही। यार पहले ना लोग अपना टैलेंट दिखाते थे, लोग बेशक लिपसिंग करते थे लेकिन वो लिपसिंग में भी अपनी एक्टिंग को शो करते थे ना। और जब टिकटॉक आया था तो लोगों ने बहुत मेहनत की ऊपर आने के लिए, अपना टैलेंट, अपनी एक्टिंग, अपने आप को शो करके लोग ऊपर आए। और आजकल क्या है, किसी को दो गालियां निकाल दो, किसी के बारे में दो बातें कर दो, आप ऊपर आ जाते हैं। मैं जब इस बुराई के ख़िलाफ़ निकलने लगा था ना तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि छोड़ो यार ये बहुत बड़ा माफिया है, दफ़ा करो इनको। तो मैंने कहा था यार हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर कोई बुराई देखो तो कम से कम, अगर उसको हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको अपनी ज़बान से तो रोको ना, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अकेला निकला था बिल्कुल, लेकिन यार आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों के टेक्स्ट देख के, कसम से मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ये आप सबके लिए, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।